हमारा गांव जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और ये चढ़ाई हमें पैदल ही काटनी पड़ती है। आ जाओ भाई शिव्या, आ जाओ। ओहो, खड़ी चढ़ाई है नहीं? मनु ले जाओ, ये पहले सामान ले जाओ, ये पैकेट रहने दो, सारा सामान ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आज हमारी हो रही है काशीपुर से गांव जाने की तैयारी। पीछे गाड़ी आ चुकी है, सामान भी रख दिया गया है उसमें, और अब हम निकल रहे हैं रामनगर के लिए और फिर वहां से पहाड़ के लिए। तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी हम रामनगर से लगभग 28 किलोमीटर आगे आ चुके हैं मरचुला की तरफ, और यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुके हुए हैं जिम कार्बेट पार्क में। और काफ़ी शांत वातावरण हो रखा है यहाँ का, क्योंकि जो मोटर वाहन हैं वो बहुत कम चल रहे हैं और ये पूरा वन्य प्रदेश है जिम कार्बेट पार्क का, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आ जाओ भाई शिव्या, आ जाओ। ओहो, खड़ी चढ़ाई है नहीं? अच्छी भी थकान लग रही है तेरे को? खाली खाली आ रहा है तो कहाँ से लगेगी थकान? खाली खाली टैक्सी मैक्सी थी यहाँ पे। दोस्तों, ये सामने मैठाणा गांव है और हम उतरे थे नीचे सिरोली में। तो फिर वहां से पैदल हमने ये दूरी तय की और फिर यहां से चलते हुए, और अभी हम यहां पर आ चुके हैं। तो दरअसल हमने सिरोली में घोड़ों के लिए बात की थी कि घोड़ों में सामान रखेंगे खच्चरों में और फिर वो हमें यहां पर हमारे घर तक छोड़ देंगे, लेकिन हमें वहाँ पर घोड़े नहीं मिले तो फिर अपना सामान हमें खुद ही लाना पड़ रहा है। तो बड़ी थकान लग रही है इस चढ़ाई में, लेकिन क्या करें, घर तक पहुंचना है तो ये
सामान भी ढोना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस समय मैं चल रहा हूँ पैदल सिरोली से और अपने गांव खितोटिया के लिए, और मेरे कंधे में एक बड़ा सा थैला आप देख सकते हैं, लगभग 15 से 20 किलो वज़न होगा इसका, तो काफ़ी भारी है और रास्ता भी है चढ़ाई का, तो काफ़ी थकान लग रही है। बाकी जो फैमिली मेंबर हैं वो आगे जा चुके हैं और मैं सबसे पीछे से चल रहा हूँ इस समय। हमारा गांव, जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और ये चढ़ाई हमें पैदल ही काटनी पड़ती है, पैदल ही चढ़ना पड़ता है हमें अपने गांव तक। और जो भी हमारा लगेज होता है हमारे साथ, उसे हमें इसी तरह से कंधों में रख करके चलना पड़ता है। तो पहाड़ की जो खूबसूरती है उसके साथ ही ये पहाड़ की कुछ दुश्वारियाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से थकान लग रही है, लेकिन हम फिर भी इस रास्ते में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ से लगभग 35 से 40 मिनट का रास्ता और है, और ये सारा रास्ता हमें पैदल ही तय करना है। और धूप भी देखिए बिल्कुल चटक लग रही है, आसमान में बादल हैं लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ लग रही है। दोस्तों ये जो भूमि है ये तो हमारी जन्मभूमि है, इसलिए हमें इससे प्यार है। भले यहाँ आने में हमें सैकड़ों कष्ट झेलने पड़े, लेकिन फिर भी हम हंसते खेलते उन कष्टों को झेलते हैं और इन पहाड़ी पगडंडियों के रास्ते से अपने गांव तक पहुंच रहे हैं। अभी इस रास्ते से मुझे ऊपर को चढ़ना है, सामने जो आप देख रहे हैं वो है हमारा घर, तो अभी हमें वहाँ चढ़ना है। तो दोस्तों ये एक जगह है हमारे गांव की, इसका नाम है डाबर। अब एक डाबर तो गाजियाबाद में है और एक डाबर है खितोटिया गांव में। अब इस जगह का नाम डाबर क्यों पड़ा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छी जगह है और एक रेस्ट पॉइंट है ये हमारे गांव में पहुंचने का, तो मैं भी इस समय यहाँ पर रुका हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा व्यू है, हरियाली है। आ जा मन्नू, सबसे पीछे रह गई मन्नू। लेकिन मन्नू के पास थे दो बड़े बैग, है ना? आ जा मेरे पास, मैं ले जाता हूँ, लाओ तो जल्दी ला। मन्नू जो है लगातार पैदल चल के आ रही है और अब उसने जो है बाजी मार ली है। मन्नू हाँ। कैसा लग रहा है पहाड़ों में? अच्छा लग रहा है? फिलहाल तो थकान तो आएगी भाई, थकान तो आएगी। तो दोस्तों बस अब हम अपने घर में पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ ऊपर है हमारा घर। तो जैसे तैसे करके हमने सिरोली से और यहाँ तक की 2.5 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ ही ली है, आराम से चला आराम से।
भी पकड़ ले, थैला पकड़ ले उससे। अरे यार तेरे भी बस की नहीं है। चल 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 मन्नू चल, आराम से चल। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। शिवी हाँ। कैसे लग रहा है यहाँ? अच्छा, ठंडा ठंडा, कूल कूल हाँ। और काफी अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ। बादल भी आ रहे हैं और बारिश आने का भी मौसम हो रहा है। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।